आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 तक। तब पेत्रुस ने आकर ईसा से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 × 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपया का एक कर्जदार उनके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर दिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना यह उपदेश समाप्त कर ईसा गलीलिया से चले गए और यर्दन के पार यहूदिया प्रदेश पहुंचे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्षमा एक ऐसी अनोखी औषधि है जिसे यदि आप दूसरों को देते हैं तो यह आपके ही हृदय के जख्मों को ठीक कर देती है। आज का प्रभु वचन इसी क्षमा के ईश्वरीय गुण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। क्षमा पाने के लिए क्षमा करना अनिवार्य है। प्रभु येसु इसी गंभीर मुद्दे को एक दृष्टांत के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं, जिसमें एक सेवक अपने मालिक से कर्ज न चुकाने के कारण क्षमा मांगता है और उसे क्षमा मिल जाती है, परंतु वही सेवक अपने सह सेवक को क्षमा नहीं करता, उसे दंड देता है। हम भी कई बार जाने अनजाने में उस सेवक की भांति व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि गलती समान होने के बावजूद अपनी गलती छोटी लगती है और दूसरों की बड़ी। इस प्रकार की प्रवृत्ति के प्रति हमें सावधान रहने की जरूरत है। सुसमाचार में पेत्रुस इसी गंभीर मुद्दे को प्रभु येसु के सामने लाते हैं और पूछते हैं कि यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करे तो मैं कितनी बार क्षमा करूं? 7 बार तक। प्रभु येसु पेत्रुस के उत्तर की उपेक्षा नहीं करते, परंतु इस विषय को एक नया आयाम देते हैं। प्रभु येसु कहते हैं 70 × 7 बार क्षमा करना चाहिए। प्रभु येसु एक संख्या की बात नहीं करते,
परंतु व्याख्या की बात करते हैं कि हमें अपने भाई को अनगिनत बार क्षमा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें हमेशा क्षमा करता है। इस पूरे वार्तालाप में दो तरह के लोग की मनोदशा प्रकट होती है। पहला वह जो बार बार गलती अपराध कर क्षमा मांगने आता है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह कहीं न कहीं अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। प्रभु कहते हैं कि जब भी कोई अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांगता है तो उसे हमें उदारतापूर्वक क्षमा करना चाहिए। आज के सुसमाचार में आकर्षण का केंद्र बिंदु वह दूसरा व्यक्ति है जो अपने अपराधी को हर बार क्षमा करता है। प्रभु यीशु क्षमा करने की प्रवृत्ति को इतनी अहमियत देते हैं क्योंकि क्षमा करना या क्षमाशीलता एक ईश्वरीय गुण है। क्षमा करने से हमें मन की शांति मिलती है तथा विनाशकारी क्रोध से मुक्ति मिलती है। क्षमा करने वाला कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि ईश्वर जो क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है। संत लूकस पद संख्या 6:27 में कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। संत मत्ती अध्याय 6:12 में कहते हैं, जो प्रभु की विनती है उसमें प्रभु सिखाते हैं कि हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु के वचन का आह्वान सुन हम भी क्षमाशील बने। हम क्षमा करें ताकि हमें भी क्षमा मिल सके। हे ईश्वर, हमें क्षमाशील बनाइए।